शौक था मूवीज में आने का बचपन से, लेकिन ये कि कुछ मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे रोका था कि अभी मत करो, आप बहुत यंग हो, जैसा कि अभी आपने देखा. लेकिन ये कि आई वांटेड टू डू इट, सो आई डिड इट. इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 92 में मेरी पहली मूवी रिलीज हुई थी आई थिंक. सही. और कैसा रहा तजर्बा फिर उनके रोकने के बावजूद? अच्छा था. आई वुड से पहली मूवी का तो खैर बहुत अच्छा था. उसके बाद मूवीज ठीक थी. आई वुडन्ट से कि दे वर लाइक सुपर डुपर हिट, बट दे वर ओके. सही. आपको ये शौक क्यों था? मतलब क्या चीज थी जो जिसे आप शौक कह रहे हैं? सम पीपल आर जस्ट बोर्न नेचुरल एक्टर्स. आई थिंक इनके अंदर होता है, बचपन से होता है ऐसे. कुछ लोगों को पता होता है कि दे वांट टू बिकम इंजीनियर, दे वांट टू दिस, वांट टू बिकम अ डॉक्टर. मेरे लिए था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर. सही. और एक्टर को क्यों बंदा बनना चाहेगा? एक्टर मतलब क्या उसमें मिलेगा उसे? पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, प्लेजर. सही. सो ये डांस वांस वाला पार्ट जो है ये सबसे ज्यादा पसंद होता था? नहीं, आई लाइक एक्चुअली डांस से ज्यादा मुझे गाने, जब भी कभी पिक्चराइज मैंने करवाए से ज्यादा मुझे हमेशा फाइटिंग सीक्वेंसेस या ड्रामेटिक सीक्वेंसेस पसंद थे शुरू से. और एक्टिंग करना कैसा तजर्बा रहा? क्योंकि थोड़ी सी एक्टिंग जो है वो मुश्किल काम है. थोड़ी सी काफी मुश्किल काम. आई थिंक यू नो दैट वेरी वेल. लेकिन ये कि आई थिंक विद टाइम यू ग्रो यू लर्न मोर. और आई पर्सनली फील कि यू ऑलवेज कीप लर्निंग. कभी खत्म नहीं होता ये प्रोसेस. आप आजकल काम क्यों कम कर रहे हैं फिर? आप काम नहीं कर, एक्चुअली मैं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था. अभी कोई 10-12 दिन हुए वापस आया. आई वाज इन यूएस, केम बैक आफ्टर 3 इयर्स. अच्छा. खैरियत से? मतलब मुझे तो नहीं पता कि 3 साल के लिए आप चले गए हुए हो. राइट. नहीं, आई वाज देयर. थोड़ा कुछ काम शाम था उसके हवाले से गया हुआ था. सही. तो नाम तो 3 साल आज के लिए आपने छोड़ दिया था सारे ये शोबे छूट गया क्योंकि बाहर गया हुआ था. लेकिन ये कि अब वापस आ गया इंशाल्लाह तो शुरू कर सकता. सही. अच्छा, क्या प्लान्स है? आप क्या प्लान्स है और व्हाट डू यू वांट कि अब किस तरह का काम करना है? अभी टेलीविजन डेफिनेटली ज्यादा कर रहे हैं और दो एक मूवीज हैं, उर्दू हैं, पंजाबी नहीं है. उसके लिए बात चल रही है. सही. और इंशाल्लाह ताला वेरी सून आई विल कम टू प्रोडक्शंस. सही. आप मतलब अपना कुछ बनाने का इरादा भी रखते हो? ग्रेट. सो आप डायरेक्ट खुद कर रहे होंगे? पहला नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे जब भी कभी कोई मेरी मूवी लगी उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज भी किया उसमें. ये नहीं कि उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जहाँ अच्छा किया उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया. सही. अच्छा, उनका बहुत बड़ा नाम ना, और बड़ा नाम जो है अगर पेरेंट्स का हो तो थोड़े से बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी होता है. थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. बिकॉज एवरीबॉडी लुक्स एट यू इन दैट वे कि जी उनका बेटा तो उसने अभी क्या करेगा किस स्क्रीन पे ना. तो ये होता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल आ जाती है. देन यू हैव टू कैरी इट आउट. सही. तो बहुत सारे लोगों ने उनके बाद उन्हीं की तरह से काम करने की कोशिश भी की, उसमें कामयाब भी हुए. आपने क्यों नहीं वालिद का अंदाज स्टाइल? नहीं, ये आपकी थोड़ी बात मैं चेंज करूंगा कि लोग उसमें कामयाब नहीं हुए. अगर कामयाब होते तो आज इंडस्ट्री खड़ी है, वहां ना होती. मैंने अभी जितना भी टाइम मैंने अब तक शोबिज़ में मैंने स्पेंड किया है, जितनी मूवीज भी की हैं, उसमें किसी भी मैंने कुछ भी अबू का कॉपी नहीं कभी भी किया. उसकी वजह थी कि आई वांटेड टू बी अन इंडिविजुअल मायसेल्फ. सही. लेकिन अभी ये है कि अभी लास्ट मेरी जो मूवी में बिका के गया था अमेरिका, उसमें थोड़ा सा डायरेक्टर का वो बहुत ज्यादा कहने के बाद कि जी आप करें, सब जो कर रहे हैं अभी करें, तो फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया था मैंने हल्का सा वैसे. सही. तो क्या ट्राई करने के बाद नहीं पसंद आया? एक्चुअली पब्लिक की डिमांड ज्यादा मैंने जो फील की है वो यही है, कहते हैं जैसे अभी आपको नजर आ रहा हूँ, कहते हैं ऐसे आप आए. सही. वो जो मूछे मूछे वो जो उस तरह से नहीं. सही. अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा हैदर कि अगर आप ना एक्टिंग में आते तो क्या कर रहे होते फिर? क्या कर रहा होता? I want to be an astronaut. इस सारे फर्क किस्म की चीजें, मतलब घर में how was your childhood? कैसा मतलब कि it was actually very relaxed and calm, I would say. I mean, हमें कभी प्रेशराइज नहीं किया गया कि आपने बेटा पढ़ोगे यही बनना है. We were given our choices, whatever you want to do. लेकिन मुझे शुरू से एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी. Read about the stars and everything. So maybe I would have been that. सही. Great. अच्छा, किससे सबसे ज्यादा मुतासर है? As in acting wise? Yes. वैसे तो आप बहुत सारे लोगों से मुतासर मैं मुतासर दैट इज व्हाई यू आर स्टिल बैचलर. जो बंदा इतनी देर तक बैचलर रहे ना, उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे लोगों से देर तक, मतलब ये क्या चक्कर है? अभी इतनी देर नहीं. अच्छा. आई वुड से डेफिनेटली हॉलीवुड में आई लाइक रॉबर्ट डी नीरो. ही इज अ वेरी गुड एक्टर. ऑब्वियसली टॉम क्रूज का कहूंगा तो सभी उसको लाइक करते हैं. ही इज आल्सो देयर.
Al Pacino, he's also very good. ये लोग वो हैं जो जिनको आप कॉपी नहीं करते लेकिन उनसे आप कुछ ना कुछ पिक करते हैं थोड़ा थोड़ा सा. सही. तो there are a couple of actors. पाकिस्तान में कोई नहीं है. अब अबू का कहूँगा तो कहेंगे जी टिपिकल वाले साहब के बारे में बात कर रहा है. लेकिन as far as being as a person, as a fan, अगर उनको देखूँ मैं तो definitely मैं सुल्तान रही साहब को definitely कॉपी करना चाहूँगा कुछ कुछ पॉइंट्स में, क्योंकि मैं कुछ मूवीज देखी उठा के. क्योंकि जब भी उन्होंने उनको रोल मिला है करने के लिए एक्शन से हट के तो उन्होंने ये बताया है कि आई कैन परफॉर्म. सही. तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ. अच्छा, उनका आपके साथ रवैया और वो कैसा होता था स्क्रीन पे? तो बड़ी मार धाड़ एक्शन से भरपूर है. राइट. तो वो घर में क्या मामलात होते थे? टोटली अपोजिट. टोटली अपोजिट. बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ. और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास पहली बात वक्त होता नहीं था. लेकिन जब भी उनके पास टाइम होता था तो ही वाज ऑलवेज विद द किड्स, विद द फैमिली, ट्रैवलिंग. तो आप फिल्म्स देखते थे उस वक्त उनकी के नहीं देखी थी? मुझे बचपन में उनकी आई थिंक बस मौला जट याद है, मैंने देखी थी. फिर जब थोड़ा सा बस जब खुद शोबिज में आया तो फिर मैंने कहा कि एज एन एक्टर आई वांट टू सी उन्होंने कैसे कैसा उनका. तो उसमें उनकी तूफान मूवी बहुत अच्छी मुझे लगी. सही. देयर आर लाइक कपल ऑफ मूवीज आई लाइक्ड ऑब्वियस. अच्छा, अब आपकी गुफ्तगू और आपका अंदाज देखें और उनकी गुफ्तगू और उनका अंदाज देखें तो लगता ऐसे है कि जैसे थोड़ा सा कोई गैप रहा होगा. मतलब आप जिस नोट पे खड़े होते हैं, जो बच्चा ये कहे कि यू नो लाइक, तो उसके लिए ये कहना ओए, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा जो है मुझे याद है बचपन में अब्बू को ये मजबूर कहते थे कि आप इतना ज्यादा लाउड क्यों बोलते हैं स्क्रीन पर. तो अब पता चलता है कि उसकी उसकी रीजन था, क्योंकि वो एक पंजाब का कल्चर उनसा है, थोड़ा सा लाउड किस्म का है, उसको प्रेजेंट करने के लिए आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड. सही. लेकिन ही वाज डेफिनेटली जब भी कभी हमेशा कहते थे मुझसे काम करवाओ. मेरे पे तुम लोगों ने जो लेबल सा लगा दिया उसको हटाओ, मुझसे काम करवाया करो. तो जब भी कभी उन्होंने किया तो माशाल्लाह ही डिड वेरी वेल इन दैट. सही. अच्छा, कभी आपको उस स्टाइल में डांट पड़ी है जिस स्टाइल में वो स्क्रीन पे डांट रहे होते थे? जब वो शूटिंग पैकअप होती थी आते थे ना घर पे, तो ही वाज जस्ट अ फादर, नथिंग एल्स. कभी भी डिस्कस नहीं. फादर भी तो डांटते हैं ना? नहीं नहीं, कभी भी नहीं. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो कभी उन्होंने मारा हो या कभी कोई हल्का फुल्का होता था कभी समझाने के उसमें टोन में, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा कभी भी मुझे कम से कम याद नहीं पड़ता कि उन्होंने किया. सही. अच्छा, अब दूसरा चैप्टर दिलचस्पी मुतासरीन का. दूसरे वाले दिन से और किन से आप मुतासर हैं? व्हाई आर यू नॉट, आई मीन, गेटिंग मैरिड? व्हाई आई एम नॉट गेटिंग मैरिड? अभी ने कहेगा अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है कुछ. वो सना को देखा है हमने आपके साथ और आपको देखा है. ये कब की बात है, कौन सी? आई थिंक 94 की मूवी होगी मेरे ख्याल से. अच्छा, ठीक है. नहीं, ये बात नहीं है कि आई एम नॉट, आई मीन आई थिंक आई हैवन फाउंड द राइट पर्सन येट, आई वुड से. आई हैव मेट कपल पीपल इन माय लाइफ बट आई हैवन फाउंड द राइट पर्सन येट, आई वुड से. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर राइट पर्सन? क्राइटेरिया लिस्ट मेरी पड़ी गाइस, मैं कॉल करूंगा. क्या है, क्या क्या कुछ होना चाहिए? नहीं, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन आई मीन आई फील कि आपकी आपस में क्लिक होना बहुत जरूरी है, आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत.